एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा था कि घर वाले कहाँ हैं, कब आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद खाया हाँ। पास्ता, तो बहुत अच्छा बना था। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग। एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा था कि घर वाले कहाँ हैं, कब आएंगे। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, तो वो जो सारे सवालों के जवाब हैं आज आपको मिलेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, हम लोग उठ के ऑल सेट एंड रेडी है, घर की काफ़ी ज़्यादा सफाई कर ली है और अभी हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट, क्योंकि फाइनली घर वाले आने वाले हैं। आई एम होपफुल ये जो आज का रीयूनियन है फैमिली का, आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एंड ऑफ कोर्स कंटेंट की कमी ना हो तो वी ऑल्सो है प्रशांत। लेट्स गो हियर फॉर अ बेटर लाइटिंग। हाँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जाने की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग इतनी देर से फ्लाइट पे ट्रैक कर रहे थे। कहाँ है क्योंकि यहाँ से 15-20 मिनट टाइम लगता है यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में, और एयरपोर्ट से फ्लाइट लैंड होने के बाद उनको बाहर निकलने में भी 20-25 मिनट लगेंगे, तो देखना पड़ता है। जैसी फ्लाइट लैंड हुई वैसे हम लोग निकलेंगे। बट ठीक है, मतलब ऐसे देखने में लगता है यूएस दूर है, बट कट टू कट 24 घंटे में अगर आप अपने घर से चलोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। इंडिया में कुछ कुछ जगह ऐसे पहुंचने में लग जाता है। अरे हम लोग मतलब बहुत बचपन में जब गाँव जाते थे तो फिर उसमें भी ऐसे 10-12 घंटे लगते थे, तो वो 14 घंटे 10-12 घंटे ओके ओके होता है। अभी मैंने कुछ कुछ प्रेप किया है, वो मैं दिखाती हूँ। एक चीज हमने की है वो है घर की सफाई, क्योंकि घर वाले आ रहे हैं तो वो तो बनता था। और हमने किया है थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम, तो मैंने ये सेविया वाली खीर कल बना दी थी, तो आज हम ये खाएंगे सबसे पहले। फिर मैंने पास्ता के वेजिटेबल्स और पास्ता बॉईल कर दिया है, ये हम खाएंगे उसके बाद, क्योंकि उनको मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। चीज़ बनानी बाकी है, अभी आई एम गोना डू इट इन सम टाइम। और मैंने बनाया है मटर पनीर, जो कि हम खाएंगे डिनर में। बस ये आज का ही है, उसके बाद पता नहीं मैं कितना बना सकूं, तो मुझे लगा मैं थोड़ी प्रेप कर लेती हूं, तो मैंने कल थोड़ा मेहनत करके बना लिया। और या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम। अभी आई गेस 5-7 मिनट में फ्लाइट लैंड होने वाली है, फिर हम निकलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और फ्लाइट लैंड कर गई है और अब हम भाग रहे हैं। आई गेस हम पहुँच जाएंगे टाइम से, बट थोड़ा ट्रैफिक होने के आशंका तो हमेशा लेट करती है। प्लीज, मैं आई वॉज बिजी, उनको निकलने वगैरह में टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग रास्ते में है, मेरी बात हो गई है और फ्लाइट लैंड कर गई है, और वहाँ पे वाईफाई फ्री होता है, इनफैक्ट हर जगह फ्री होता है, तो यू कैन कनेक्ट। और पापा से मेरी बात हुई, पापा बोल रहे थे कि प्रशांत की दो लाइन है इमिग्रेशन पे आ गया। मेरे को समझ नहीं आया दो लाइन का मतलब, मैं क्या मैंने उन्हें बोला था कि जब आप लैंड करो ना थोड़ा थोड़ा सा भागना, क्योंकि अगर आप पहले पहुंच जाते हो तो ज़्यादा बारी जल्दी आती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट इसमें भी है, कभी कभी क्या होता है कि आप पहले पहुंच जाते हो फिर आपका बैगेज ही नहीं आता, वो भी हो सकता है। बट ठीक है, हम लोग अभी 6 मिनट में पहुंचने वाले हैं, सो हमें आई गेस 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वंस द इमिग्रेशन इज़ डन तो फिर आप जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हो। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम आफ्टर सो मेनी मंथ्स। फिर भी टाइम कम लगता है लंदन में, आई थिंक टाइम इससे भी ज्यादा लगता था लंदन में, तो मतलब बैठे वहां पे खड़े खड़े पैर जम जाते थे, और क्योंकि वहां पे ना मतलब वो जो काउंटर्स थे वो भी इतने सारे नहीं होते थे, और आई थिंक काफी ज्यादा टाइम लगता था। बट ठीक है, ओके। और हम लोग इधर जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक नहीं है, बट ये वाला साइड बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अभी, मतलब न्यूयॉर्क जाने वाला रास्ता पूरा भरा पड़ा है। आई थिंक बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा ट्रैफिक है, और अभी हम पहुंचने वाले हैं 9 मिनट्स में, सो वील बी गुड ऑन टाइम, आई गेस हम ही पहले पहुंचेंगे। सो दिस इज द एयरपोर्ट, ये नेवाक वाला एयरपोर्ट है, जेएफके वाला अलग है न्यूयॉर्क में, ये जर्सी वाला है, और ये हमारे घर के काफी पास है, तो ये काफी सही पड़ा। और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में, और पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे फिर उन्हें लेने जाएंगे। लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे सामने पार्किंग थी, तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, और ये है नेवाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है, क्यों मुझे नहीं पता, बट ठीक है अभी हम लोग अंदर जाते हैं और फिर दिखाती हूँ। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप एयरपोर्ट इंटर कर सकते हो अगर आपके पास टिकट नहीं हो तब भी, और हम आ गए हैं इंटरनेशनल अराइवल्स पे, तो अभी आगे जाके हम लोग वेट करेंगे एंड होपफुली वील सी देम सुपर सून। तो हम लोग अंदर पहुंच गए हैं और
यहाँ पे बैठने का भी सब कुछ है, तो वो लोग बिल्कुल ये जो दो गेट्स हैं इन दोनों गेट्स में से किसी में से आने वाले हैं. वेरी एक्साइटेड टू सी देम और आई गेस 10 मिनट मैक्स में आ जाएंगे. सो आई एम गोना सिट हियर फॉर अ व्हाइल एंड जब वो आएंगे तब मिलवाती हूँ. जल्दी हो गया. लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, इस साल बहुत अच्छा. और फिर जब टिकट बुक कराई थी लगा था कितने सारे दिन है, फिर खत्म होते होते लगा अभी तो बहुत कम दिन है, फिर लगा बहुत सारे दिन है. तो फाइनली अभी लोग आ गए, अभी घर जाके मिलते हैं तब अच्छे से बात करते हैं. तो अभी बज रहे हैं अराउंड 11:43 और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया साथ में आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड प्रशांत कैसा था पास्ता? बज रहे पास्ता मिला कहाँ? मिला. ये किसकी प्लेट है? ये थोड़ा सा अभी दे दिया ब्लॉग के लिए, दो चम्मच निकाल के. नहीं प्लीज, प्रशांत को मिलता रहता है पास्ता, लेकिन दो नए लोग हैं जिन्होंने पास्ता खाया. मैं भी कुछ नहीं है, देख लो अभी खा लिया सब. कैसा लगा आपको मेरा पास्ता? बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद खाया. हाँ। पास्ता तो बहुत अच्छा बनाते हो मम्मी. पुराने जैसा बचपन जैसा है? थोड़ा सा नमक हमारे हिसाब से कम था तेरे साथ. मैं आजकल कम खा रही हूं. खाना कम भी चाहिए, हमें भी कम ही खाना चाहिए. और कैसा लगा आपको घर? स्टार्टिंग में लगता है फिर तो अच्छा. घर अच्छा है, घर अच्छा लगा, काफी अच्छा है. लोकेशन अच्छी है, व्यू सही है, व्यू बहुत बढ़िया. बट थोड़ा छोटा है तो मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक वी विल बी फाइन. मतलब हो जाएगा धीरे धीरे मैनेज. अभी एज ऑफ नाउ सब लोग थक गए हैं तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं. और अब पता है मिले हैं तो बहुत सारी बातें करनी है, तो अभी हम बातें करेंगे फिर हम चिल करेंगे. आपसे इवनिंग में मिलते हैं. एंड अभी बज रहे हैं 7:47 और अभी हम लोग छत पे आ गए. इस बीच में हम लोग ने बहुत सारी बातें की, थोड़ा आराम किया. घर वाले बहुत कुछ लाए हैं, अगर आपको देखना है तो कमेंट करके बताना. मैंने अभी थोड़ा बहुत सामान देखा है, अभी टाइम लगेगा, आराम से देखूंगी. और क्या पापा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बेटा. हाँ, और पुरानी मेमोरीज, दो साल बाद दोबारा आए हैं. हाँ, और काफी अच्छा लग रहा है. ठीक है. और पापा पूछ रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है. तो हमारे घर में जो पुराना वाला घर था उससे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का व्यू आता था, जो कि है ये वाला. अभी वाले से मिड टाउन वाला आता है, तो फाइनली दिख गया, धीरे धीरे दिख गया. मैंने कहा थोड़ी देर में देखने जाएंगे. और आपको कैसा लग रहा है, कितना थके हुए हो आप? नहीं अब तो थकान ठीक. जेट लैग? नहीं अब ठीक हो गया. जेट लैग मम्मी का जाएगा एक दो दिन में, थोड़ा नहीं जाएगा. नहीं अब ठीक है, अब ठीक है. दिन में मम्मी को जरूरत थी एक दो चाय शॉट्स की, तो उसके बाद ठीक हो रहा था. बट ठंड तो नहीं लग रही आपको? नहीं ठंड सोच रहे थे. मैंने डरा डरा दिया इनको, क्योंकि प्रशांत बीच में ठंडा था यार, अभी जब से आए तब से ठंड नहीं लग रहा. वो तो अभी बीच में कम ज्यादा होती रहती है, इस साल ठंड वैसे भी थोड़ी कम है बहुत सालों से मुझे लग रहा है. तो अभी अक्टूबर आ गया तो यस. प्रशांत कहाँ है? हमारा पुराना वाला घर दिखा दिया सामने, ये वाली बिल्डिंग थी. और पापा मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो सेम काफ़ी सारी बिल्डिंग एग्जैक्टली सेम दिखती है और वहाँ से ऐसे ही दिखता था. और कब से घूमना जाना शुरू करोगे आप लोग? कल से? हाँ कल परसों से स्टार्ट कर देंगे. बहुत इंडियन लोग हैं पता है आपको, अब मज़ा आ जाएगा यहाँ पे, सबसे दोस्ती कर लेंगे. मम्मी आप योगा फ्रेंड्स बना सकते हो अपने जल्दी. ठीक है. और बाय द वे अभी बहुत सुंदर व्यू आ रहा है अभी, मतलब आई थिंक एक दो हफ्ते बचे उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा अक्टूबर मिड के आसपास. बट या अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये सारा जर्सी सिटी का व्यू है, एकदम देसी इलाका है. तो बस अभी हम लोग थोड़ा यहाँ बैठेंगे और फिर नीचे जाएंगे. एंड दिस इज अराउंड 10:30 PM इन द इवनिंग. आई एम टायर्ड नाउ, बहुत हेक्टिक दिन था बट फाइनली घर वाले आ गए. मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, कहाँ है घर वाले, अभी तक क्यों नहीं आए, कोई तो आना चाहिए था, कोई नहीं आ रहा क्या, तुम कैसे मैनेज करोगे. बट फाइनली हमारे घर वाले आ गए. और ये जो सारा फेज़ है ना ट्रांजिशन वाला, उसमें बहुत डर लग रहा था कि कैसी चीज़ें मैनेज होंगी. एंड स्पेशली नाउ अब मुझसे काम भी नहीं हो रहा था लाइक टू कुक, क्लीन, घर का ध्यान रखना. सो फाइनली लोग आ गए. सो वेरी वेरी होपफुल. एंड जैसे आपको पता है इतना बड़ा चेंज होने वाला लाइफ में, सो आई वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड कि कैसे मैं मैनेज करूँगी विद द बेबी. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने कभी नहीं देखी हैं, जो कभी नहीं करी हैं,
तो वो सब अब आराम से मैनेज होगी, घर वाले आ गए ना वैसा लग रहा है, सब संभाल लेंगे। ठीक है, आप अपनी ब्लेसिंग्स और गुड विशेज ज़रूर देना। अब मतलब जैसे मैं बोलती हूँ बहुत कम टाइम रह चुका है, फाइनली घर वाले आ गए, नाउ आई एम लाइक कभी भी हो जाए सब ठीक है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बताना ये व्लॉग कैसा लगा, घर वाले कैसे लगे, और बस अभी आप बहुत सारे व्लॉग्स आगे देखते रहोगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।